हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का बूस्टर क्लास। गाइस, सैटरडे को ना हमारा बूस्टर क्लास थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि सैटरडे का जो करंट अफेयर क्लास है ना, वो थोड़ा लंबा होता है। वैसे आप ही लोग करंट अफेयर में आते हो, आप ही लोग बूस्टर क्लास में आते हो, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज क्विजेस बहुत जल्दी मिलने वाले हैं आप लोगों को, साथ ही साथ एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। और हमारा जो चैनल है ना, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उस नन्ने मुन्ने से चैनल को बड़ा बच्चा बना दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का बूस्टर डोज है फोर्थ बूस्टर डोज है आज। ठीक है, तो आज जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑनलाइनर्स हैं, वो सारे करेंगे। अभी तक मेरे ख्याल से 80 या 85 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन का एक सेट लाया था मैंने, 100 ऑनलाइनर का, तो बाकी के जो क्वेश्चन है ना, वो आज हम लोग पूरा करेंगे। अगर आप कोई बैच में एनरोल करना चाहते हो तो फिर मैं बता देता हूं, आज आपको मिल रहा है 80% ऑफ, और मोबाइल एप्लीकेशन पे डाउनलोड करने पे आपको मिलेगा 81% ऑफ। बैच में एनरोल करते वक्त कोड आपको यूज करना है Y291A का कोड आपको यूज करना है। ओके, और आपको FCI, AFO, एग्रीकल्चर महापैक, जितने भी बैचेस हैं, FCI के जनरल, डिपो, एनीथिंग, ठीक है, इवन नाबार्ड का जो बैचेस है, सब बैचेस में आपको 80% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, एग्रीकल्चर महापैक जो जनरली 7400 में आपको 12 महीने के लिए मिलता था, वो आपको अवेलेबल है 6080 रुपीज में 12 महीने के लिए, एंड दैट इज योर 80% ऑफ। इज दिस फॉर FCI डिपो मैनेजर? यस, नो नित्या, दिस इज नॉट फॉर FCI डिपो मैनेजर। यू कैन ओनली वॉच द 9 AM करंट अफेयर्स क्लास। ओके, फॉर FCI डिपो मैनेजर यू नीड टू वॉच 9 AM, 9 PM, 10 PM, 11 PM, that's it, okay, next, so, फटाफट देखते हैं, father of hybrid rice कौन है? Wan Long Ping, ठीक है, father of hybrid rice, ये पता ही होगा सभी लोगों को। India's first dwarf rice variety, इंडिया का पहला dwarf rice variety है जया, जिसको हम miracle rice भी कहते हैं, जो कि 1968 में रिलीज किया गया था, it was released in 1968, it is known as Jaya and it is also known as the miracle rice of India, very good morning everyone, okay, दो हो गए। तीसरा, वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ बासमती राइस, जो दुनिया का पहला हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ बासमती राइस है, ओके, दैट इज पूसा बासमती 1। ठीक है, वेलकम नित्या, पूसा बासमती 1, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं अविनाश, वो 12 महीने करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ बासमती राइस वेराइटी इज पूसा बासमती 1। वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर राइस वेराइटी फॉर सैलाइन और एल्कालाइन सॉइल, दुनिया का पहला सुपर राइस वेराइटी जो सैलाइन और एल्कालाइन सॉइल के लिए है, ओके, वो क्या है? अच्छा अविनाश, वो तो 6 महीने के लिए होगा, अभी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी फरवरी मार्च, आपका इंटरव्यू कंप्लीट, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वाला बैच 6 महीने का ही है शायद, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम तक, हमारा जनरली क्या रहता है कि हम आपको एग्जाम तक बैच प्रोवाइड करते हैं, सो आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है 6 महीने में, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर राइस वेराइटी, पहला सुपर राइस वेराइटी कौन सा है? लूनिश्री, जो कि सैलाइन या अल्कलाइन सॉइल में होता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, जो ये वर्ड है ना लूनी, ठीक है, LUNI, अब लूनी का मतलब जनरली मेरे ख्याल से ओडिया में और भी कोई लैंग्वेज है शायद, ठीक है, 2-3 लैंग्वेजेस में लूनी का मतलब होता है सॉल्टी, ठीक है, उससे याद रखना, सैलाइन सॉइल से रिलेटेड है, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी इज डन एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, सुनिए, दो टाइप के मॉइस्चर कंटेंट आपको याद रखने हैं, एक है हार्वेस्टिंग के टाइम का मॉइस्चर कंटेंट और दूसरा जो मॉइस्चर कंटेंट है वो है स्टोरेज का। हार्वेस्टिंग के टाइम पे ऑन एन एवरेज हर एक क्रॉप में 21-22 या 21-25% का हार्वेस्टिंग मॉइस्चर रखा जाता है, ठीक है, स्टोरेज जो मॉइस्चर होता है ना, ठीक है, स्टोरेज के टाइम पे जो मॉइस्चर होता है वो ऑन एन एवरेज रखा जाता है 6-7, मैक्स 10-11 किसी क्रॉप में अगर जरूरत है, वरना जनरली 6-7 और यहां पर 21-25 के बीच में। तो पैडी की अगर बात करेंगे तो 21-22 या 21-23% का यहां पर रहता है, ओके, यस, GS खुश, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वन लाइनर है,
फर्स्ट म्यूटेंट वेराइटी ऑफ राइस, पहला म्यूटेंट वेराइटी है जगन्नाथ, ठीक है। कैसे म्यूटेशन कैसे किया गया था, जब T141 वेराइटी को गामा रेडिएशन, ठीक है, जब मतलब बेसिकली क्या किया गया, जैसे डॉक्टर ब्रूस बैनर को गामा रेडिएशन का अटैक हुआ और फिर वो हल्क बन गए ना, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहां पर क्या किया गया भाई, जो T141 है उस पे भी गामा रेडिएशन से म्यूटेशन किया गया और वो बन गया हल्क के जगह पे क्या, जगन्नाथ, ठीक है। जगन्नाथ मतलब जगत का नाथ, ओके। सो ये है आपका फर्स्ट म्यूटेंट वेराइटी ऑफ राइस, गॉट इट गाइस। सर प्लीज टेल द नंबर्स इन इंग्लिश। हाँ श्योर श्योर चंदना, आई विल ओके। सो बेसिकली दिस इज T141 राइस विच वॉज सब्जेक्टेड टू गामा रेडिएशन एंड इंस्टेड ऑफ बिकमिंग हल्क इट बिकेम द फर्स्ट म्यूटेंट वेराइटी, दैट इज जगन्नाथ। Which gas is released from the field of paddy? Paddy के field से कौन सा gas release होता है? Guys, just please wait for a minute. Okay, so sorry for the interruption. Which gas is released from the field of paddy? ठीक है, so paddy field से कौन सा gas generally release होता है? So that is methane. ठीक है, क्या release होता है? Methane release होता है, that is CH4. Sri technique was originated in Madagascar in 1987 by Professor Henry de Lolleny. ठीक है, so जो श्री टेक्निक है ना वो मैडागास्कर से ओरिजिनेट हुआ इन 1987 बाय प्रोफेसर हेनरी डे लोलेनी। फर्स्ट सुपर फाइन एरोमेटिक बासमती हाइब्रिड इज, ठीक है, दुनिया का सबसे पहला सुपर फाइन एरोमेटिक बासमती हाइब्रिड इज पूसा RH10। देखो वेराइटीज, जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज है ना वही आपके लिए यहां पर याद रखना जरूरी है, ओके, नॉट एवरीथिंग, ओके। सर IBPS AFO prelims में जनरल अवेयरनेस सिलेबस है क्या? नहीं है, ठीक है, नहीं है, ओके। नेक्स्ट, ऑयल सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग डैश, ठीक है, ऑयल सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम OPP वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग 1992-91, ओके। 96, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन डैश, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1986, 1986 में एस्टैब्लिश किया गया था टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट वॉज एस्टैब्लिश्ड एट, ठीक है, सो जो नेशनल रिसर्च सेंटर है ग्राउंडनट का वो एस्टैब्लिश किया गया है जूनागढ़ गुजरात में, ठीक है, जूनागढ़ गुजरात में एस्टैब्लिश किया गया है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट, मतलब किया गया था, ओके। इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमिटी, इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1947, द डेट द ईयर इज 1947। देखो ईयर रिलेटेड क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा कम है, ओके। सर दिस सीम्स लाइक एग्रोनॉमी बूस्टर डोज नॉट जनरल एग्रीकल्चर, डोंट वरी चंदना, फॉर नाउ दिस इज एग्रोनॉमी। द नेक्स्ट सेट दैट इज फ्रॉम मंडे इट विल बी सॉयल साइंस, अगेन आफ्टर सॉयल साइंस वी विल हैव अदर जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चंस, ओके। सो दिस विल कवर ऑल द एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स, डोंट वरी एट ऑल, ओके। नेक्स्ट, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन ऑयल सीड्स वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग 1967, ओके। सो जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट है ऑयल सीड पे, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1967 में या फिर 1967 में, ओके। सो इसी के साथ कंप्लीट होते हैं आपके चार डोज में 100 क्वेश्चन, ठीक है, 4 डोज, ठीक है, आप लोगों ने चार बूस्टर डोज लिया, आज फोर्थ डोज था और 99 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट मंडे से अगेन वी विल स्टार्ट, ओके, सो डोंट वरी, दिस जनरल एग्रीकल्चर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स, ओके, नॉट ओनली एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस, ओके। सो दिस इज इट गाइस, ओके,
एंड अगर आप लोग आज एनरोल करेंगे तो अगेन आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अगर AFO का बैच स्टार्ट हो रहा है 6 अक्टूबर को, अड्डा 24/7 पे जाइए, सिंपली यहाँ पे AFO सर्च कीजिए, यहाँ पर आपको AFO का बैच मिल जाएगा। 6 महीने की वैलिडिटी काफी है क्योंकि आपका 7 अक्टूबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मार्च तक वैलिडिटी रहेगा, तो आपके लिए ये सफिशियंट होगा। ओके, सो इसमें एनरोल करने के लिए बाय नाउ पे जाना है, और जनरली आपको ये बैच जो है ना वो मिलता है, देखो Y291 कोड का अप्लाई किया 3219, Y291A कोड का अप्लाई किया तो 2799, मतलब 2800 का ये बैच है। एक क्वेश्चन और करवाओ सर, 100 पूरे हो जाएंगे। चलो ठीक है, बताओ मुझे फटाफट। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है, आपका होमवर्क का क्वेश्चन, जस्ट ए मिनट, मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, मुझे कमेंट्स में बताना। 100th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये खुलेगा तब ना। हाँ, खुल गया, ठीक है। 100th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। विच ऑफ द, आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है, नॉट इन द चैट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज और आर नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप और क्रॉप्स कैन बी एडॉप्टेड फॉर रटून सिस्टम, ठीक है। कोई आंसर यहां पर नहीं देगा, सभी लोग कमेंट्स में देंगे। ओके, ज्वार, बाजरा, शुगर केन, पैडी, बोथ ए एंड सी, ठीक है। इसका आंसर आना चाहिए कमेंट्स में, ठीक है, कमेंट्स में सभी का आंसर मुझे मिलना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, सो दिस बैच इज वैलिड 2800, जब आप मोबाइल एप्लीकेशन में जाते हो दिस इज 2700 रुपीज, ठीक है, तो आप लोग एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ गाइज, इफ यू आर एग्रीकल्चर स्टूडेंट देन आई वुड से कि एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर लीजिए, बिकॉज इसमें आपको सारे बैचेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ मिल जाएंगे, IBPS, AFO, FCI सब का। ओके, सो आपको एनरोल करने के लिए यहां पे कूपन कोड यूज करना है, जब आप Y291 कूपन कोड यूज करते थे इट वाज 7359, जब आप Y291A कूपन कोड यूज करते हो दिस इज 6399, दैट इज 6000 रुपीज, ठीक है, 6000 रुपीज, ओके, 6080 रुपीज का ये आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ओके, सो ये आपके लिए बेस्ट होगा, इसमें आपको FCI का बैच मिल जाएगा, AFO का बैच मिल जाएगा, बहुत जल्दी आपके UP SSSC वगैरह के जो बैच स्टार्ट होंगे, यूपी कैटेट के बैचेस स्टार्ट होंगे, मतलब MSc जनरल एग्रीकल्चर फॉर MSc स्टार्ट होगा, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। यही सब दे रहे हैं आंसर, पवन गलत, जर्नल गलत, सुखप्रीत सही है, एग्री वर्ल्ड सही है, ठीक है। सर AFO में इयर्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? इतना नहीं पूछा जाता है, बहुत कम, मतलब मान लीजिए 0.00001% का चांस है कि शायद कोई ईयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सर AG2-3 में एक्सटेंशन भी है क्या? AG2 में है, AG2 में एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, 3 में नहीं है, ठीक है, और AG2-2 में एक्सटेंशन है, 3 में इकोनॉमिक्स है। ओके, क्लियर, चलो तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी हीना मैम की क्लास है, तो अगर आप लोग एनरोल कर रहे हो तो फटाफट जाके एनरोल कर लीजिए, और एनरोल करते वक्त Y291A कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, बाय बाय।